हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कीवर्ड है एनेमोमीटर। एनेमोमीटर क्या होता है? द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द विंड स्पीड इज कॉल्ड एन एनेमोमीटर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम विंड स्पीड को मेजर करते हैं, इसे हम एनेमोमीटर कहते हैं। अब हम सेकंड कीवर्ड देखेंगे। सेकंड कीवर्ड है साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है और ये कैसे बनता है? बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। यानी कि क्लाउड बनने से पहले वाटर एटमॉस्फेयर से हीट लेता है और वेपर में चेंज हो जाता है। व्हेन वाटर वेपर चेंज बैक टू लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप्स, दिस हीट इज रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जब ये वाटर वेपर वापस लिक्विड में चेंज होते हैं, यानी कि रेन ड्रॉप्स में चेंज होते हैं, तो ये अपनी हीट को रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, यानी अपनी हीट बाहर निकाल देते हैं। द हीट रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड। और जब ये हीट बाहर निकलती है तो आसपास की हवा गर्म हो जाती है। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर। अब ये गर्म हवा ऊपर उठ जाती है जिसकी वजह से एयर प्रेशर कम हो जाता है। मोर एयर रश टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। और जब हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है तो उसके नीचे खाली जगह बन जाती है, इसे हम लो प्रेशर एरिया कहते हैं। और ये जो खाली जगह होती है स्टूडेंट्स, जो कंपैरेटिवली ठंडी हवाएं होती हैं, ये इसे भरने के लिए तेजी से आती हैं। इसी लो प्रेशर एरिया को यहाँ सेंटर ऑफ द स्टॉर्म कहा गया है। दिस साइकिल इज रिपीटेड। और ये प्रोसेस चलता रहता है। द चैन ऑफ इवेंट्स एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब ये प्रोसेस बहुत देर तक चलता रहता है तो बहुत ज़्यादा लो प्रेशर वाला एक सिस्टम बन जाता है जिसके चारों तरफ हाई स्पीड विंड्स घूमना शुरू कर देती है। इट इज दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन। और इसी वेदर कंडीशन को हम साइक्लोन कहते हैं। यानी कि लो प्रेशर सिस्टम के चारों तरफ हाई स्पीड विंड्स का घूमना साइक्लोन कहलाता है। अब हम थर्ड कीवर्ड देखेंगे। थर्ड कीवर्ड है हरिकेन। हरिकेन क्या होता है? अ साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज कॉल्ड अ हरिकेन इन अमेरिका। यानी कि साइक्लोन को दुनिया की अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। अमेरिका में साइक्लोन को ही हरिकेन कहा जाता है। अब हम फोर्थ कीवर्ड देखेंगे स्टूडेंट्स। फोर्थ कीवर्ड है लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या होता है? आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, बारिश के दिनों में बादलों में बिजली चमकती है, उसी को लाइटनिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे लाइटनिंग कैसे बनती है। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हवा गर्म होकर हल्की होती है और तेजी से ऊपर की ओर उठती है। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब ये गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं तो ये अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स भी ऊपर लेकर जाती हैं, और जब इन वाटर ड्रॉपलेट्स को ठंडक मिलती है तो ये फ्रीज होकर वापस नीचे की तरफ गिरते हैं। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट्स लाइटनिंग। अब इसे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि वाटर ड्रॉपलेट्स तेजी से नीचे की तरफ गिरते हैं और गर्म हवाएं हल्की होकर तेजी से ऊपर की तरफ उठती हैं। इसकी वजह से लाइटनिंग बनती है, यानी के बिजली चमकती है। अब हम फिफ्थ कीवर्ड देखेंगे। फिफ्थ कीवर्ड है लो प्रेशर। लो प्रेशर क्या होता है और ये कैसे बनता है? वॉर्म एयर राइजेज अप बिकॉज इट बिकम्स लाइटर। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है। दिस क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर बिलो द राइजिंग एयर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है तो उसके नीचे खाली जगह बन जाती है, इसी को हम एरिया ऑफ लो प्रेशर कहते हैं। द एरिया ऑफ लो प्रेशर इज क्विकली फिल्ड इन बाय द कूलर एयर फ्रॉम अराउंड। और आसपास की ठंडी हवाएं इस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से आती हैं।
इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि आसपास की ठंडी हवाएं इस एरिया ऑफ लो प्रेशर को भरने के लिए तेजी से आती हैं। अब हम सिक्स्थ कीवर्ड देखेंगे। सिक्स्थ कीवर्ड है मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स क्या होती हैं? द फ्लो ऑफ मॉइस्ट एयर फ्रॉम ओशन टुवार्ड्स लैंड इन समर इज कॉल्ड मॉनसून विंड्स। यानी के समर में ओशन से लैंड की तरफ जो मॉइस्ट एयर चलती हैं इन्हें ही हम मॉनसून विंड्स कहते हैं। यहाँ पर मॉइस्ट एयर का मतलब है स्टूडेंट्स ऐसी हवा जिसमें वाटर पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि पानी के पार्टिकल्स होते हैं। तो जब ओशन से लैंड की तरफ मॉइस्ट एयर आती है तो इससे रेन होती है। अब हम सेवेंथ कीवर्ड देखेंगे। सेवेंथ कीवर्ड है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज द फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया। पहले आप दो वर्ड्स के मतलब को यहाँ पर समझिए स्टूडेंट्स। फोर्स का मतलब है ताकत और एग्जर्टेड मतलब लगाना, यानी कि आप कितने एरिया में कितनी ताकत लगाते हैं यही प्रेशर होता है। अगर आप कम एरिया में ज्यादा ताकत लगाते हैं तो प्रेशर ज्यादा होता है, अगर आप ज्यादा एरिया में कम ताकत लगाते हैं तो प्रेशर कम होता है। अब हम एट्थ कीवर्ड देखते हैं। एट्थ कीवर्ड है थंडरस्टॉर्म्स। थंडरस्टॉर्म्स यानी कि तूफान क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं? थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि थंडरस्टॉर्म्स हॉट और ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज जैसे कि इंडिया में अक्सर बनते रहते हैं। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग अपवार्ड राइजिंग विंड्स। यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा गर्म होकर हल्की होती है और तेजी से ऊपर उठती है। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवार्ड्स वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है तो वो अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट्स को भी ऊपर ले जाती है, और जब इन वाटर ड्रॉपलेट्स को ठंडक मिलती है तो ये फ्रीज होकर वापस नीचे की तरफ गिरते हैं। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट्स लाइटनिंग एंड साउंड। यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज होकर तेजी से नीचे की तरफ गिरते हैं और हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर की तरफ उठती है, जिसकी वजह से लाइटनिंग और साउंड बनते हैं, यानी कि बिजली चमकती है और तेज गड़गड़ाहट की आवाज होती है। दिस इज नोन एज थंडरस्टॉर्म। यानी कि बारिश के साथ बिजली का चमकना और तेज गड़गड़ाहट की आवाज होना, इसी को हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं। अब हम नाइन्थ कीवर्ड देखेंगे। नाइन्थ कीवर्ड है टोर्नेडो। टोर्नेडो क्या होता है? अ टोर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीच फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। यानी कि टोर्नेडो एक डार्क फनल शेप्ड क्लाउड होता है जो स्काई से लेकर ग्राउंड तक बनता है। मोस्ट ऑफ द टोर्नेडोज आर वीक। ज्यादातर टोर्नेडोज कमजोर होते हैं। अ वायलेंट टोर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड्स ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। जबकि एक खतरनाक टोर्नेडो की स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। अब हम टेंथ कीवर्ड देखेंगे स्टूडेंट्स। टेंथ कीवर्ड है टाइफून। टाइफून क्या होता है? अ साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि साइक्लोन को दुनिया की अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन फिलीपींस एंड जापान इट इज कॉल्ड अ टाइफून। फिलीपींस और जापान में साइक्लोन को ही टाइफून के नाम से जाना जाता है। अब हम इलेवेंथ कीवर्ड देखेंगे स्टूडेंट्स। इलेवेंथ कीवर्ड है विंड फ्लो पैटर्न। यानी अर्थ पे जो विंड फ्लो होती है उसका फ्लो करने का तरीका क्या होता है, विंड के फ्लो करने का पैटर्न क्या होता है? रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम सनलाइट एंड द पोल्स गेट द लीस्ट अमाउंट ऑफ सनलाइट। यानी कि इक्वेटर और उसके आसपास की जगहों पर पूरे साल मैक्सिमम सनलाइट पड़ती है, जिसकी वजह से इक्वेटर और उसके आसपास की जगहें गर्म रहती हैं। जबकि पोल्स यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पूरे साल बहुत कम अमाउंट में सनलाइट आती है, जिसकी वजह से पोल्स एरिया यानी कि नॉर्थ पोल का एरिया और साउथ पोल का एरिया ठंडा रहता है। द वॉर्म एयर फ्रॉम द इक्वेटर रीजन राइजेस एंड द कूलर एयर फ्रॉम द पोलर रीजन रश टू टेक द प्लेस ऑफ वॉर्म एयर। दिस कॉजेज विंड टू फ्लो ऑन अर्थ।
इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि इक्वेटर रीजन की जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं, जिसकी वजह से नीचे खाली जगह बन जाती है, और पोलर रीजन की जो ठंडी हवाएं होती हैं वो उस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से आती हैं। इस वजह से अर्थ पर विंड फ्लो होता है, यानी कि हवाएं चलती हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स कि विंड फ्लो पोलर रीजन से इक्वेटर रीजन की तरफ होता है, यानी कि हवाएं पोलर रीजन से इक्वेटर रीजन की तरफ फ्लो करती हैं। नाउ ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ द विंड कर्व्स एंड डस नॉट फ्लो एग्जैक्टली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि नॉर्थ पोल की तरफ से आने वाली हवाएं सीधे साउथ की तरफ नहीं जाती हैं, और साउथ पोल की तरफ से आने वाली हवाएं सीधे नॉर्थ पोल की तरफ नहीं जाती हैं। इसकी वजह होती है अर्थ का रोटेट करना। अर्थ के रोटेशन की वजह से जो विंड होती है वो मुड़ जाती हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड से जो हवाएं आती हैं वो अपनी राइट साइड की तरफ मुड़ जाती हैं, जबकि इक्वेटर के सदर्न साइड से जो हवाएं आती हैं वो अपनी लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ जाती हैं। दिस फ्लो ऑफ द विंड एक्वायर्स अ पैटर्न कॉल्ड द विंड फ्लो पैटर्न। और हवाओं के इस तरह फ्लो करने से एक पैटर्न बन जाता है जिसे हम विंड फ्लो पैटर्न कहते हैं। विंड फ्लो पैटर्न को रीडिंग पार्ट में हमने डायग्राम की मदद से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हमारे रीडिंग वीडियोस जरूर देखें। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।